Madem taht yerini koruyacak gücünüz yok. Bu şehirde Müslümanlığa dair ne varsa kaldırın. Sırtımızdan vuracağını hesap edemedik. Ne diye Gazze'ye sefere çıkarsınız o vakit? Sevdiklerimi kendi topraklarında esir etmem. Acı içinde geçen yıllarımızın intikamını alacağım. Ben vakti geldiğinde devleti alacağım. Kaybedeceğim bir savaşı sürdürürsün. Esirler için vaktimiz daralmıştır. Var mısın bizimle bir olmaya? Bırakın ölelim sultan. Herkesin önünde bayrağımızı öpüp bana biat edeceksin. Hepsini öldürün! Bir Müslüman bu paçavrayı öpmez, yere serer. Bunları almadan mı gidiyorsun? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीर महदूद के बारे में कि अमीर महदूद कौन था और अमीर महदूद को कौन मारेगा। इसके साथ ही जंगी रियासत के बारे में बात करेंगे कि अमादुद्दीन जंगी की मौत के बाद जंगी रियासत का किरदार किसने संभाला। तो साथ ही साथ सलाहुद्दीन के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में भी बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अमीर महदूद के। कुतुबुद्दीन महदूद 1149 से 1169 के दरमियान मोसुल का अमीर था। वो अमादुद्दीन जंगी का बेटा और सैफुद्दीन गाजी अव्वल का भाई और जानशीन था। अमादुद्दीन जंगी के तीन बेटे थे, नूरुद्दीन जंगी, कुतुबुद्दीन महदूद और सैफुद्दीन गाजी अव्वल। दोस्तों अमादुद्दीन जंगी की मौत के बाद जंगी रियासत इसके तीन बेटों में तकसीम हो गई। सैफुद्दीन गाजी अव्वल मोसुल में अमीर बना, नूरुद्दीन जंगी हल्ब का अमीर बना। 1149 में सैफुद्दीन गाजी अव्वल का इंतकाल हुआ और कुतुबुद्दीन महदूद मोसुल का अमीर बना। 1157 में कुतुबुद्दीन महदूद ने बगदाद पर संजूकी के हमले में हिस्सा लिया। 1160 और 1170 के दरमियान नूरुद्दीन जंगी ने कुतुबुद्दीन महदूद पर कई बार हमला करने की कोशिश की। दोस्तों ये असल तारीख है, लेकिन कुछ से फातिह सलाहुद्दीन अयूबी में जो तारीख दिखाई गई है वो कुछ और है। कुतुबुद्दीन महदूद का इंतकाल सितंबर 1170 में हुआ। इसका बेटा सैफुद्दीन गाजी दोम मोसुल का अमीर बना। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सलाहुद्दीन के दुश्मन की, जो कि सैफुद्दीन गाजी सानी सलाहुद्दीन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।